बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान बीते कुछ समय से काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, जहां इनकी खबरों के में आने की वजह इनके लाडले बेटे आर्यन खान हैं। जी हां, बीते शनिवार को इनके बेटे को मुंबई से गोवा जाते एक क्रूज पर रेव पार्टी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है। जहाँ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आर्यन खान ने एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने वाली बात भी कबूल कर ली है। साथ ही पूछताछ के दौरान आर्यन खान की तरफ से और भी कई खुलासे हो रहे हैं, जहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आर्यन खान बचपन से ही ड्रग्स ले रहे हैं। तो क्या सच में आर्यन खान बचपन से ही ड्रग्स में एक्टिव हैं? अगर आप भी इस खबर की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले आप शाहरुख खान के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो हर एक बॉलीवुड के सितारे का बच्चा सुर्खियों में रहता ही है, पर आर्यन खान बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे होने के चलते और भी ज्यादा पॉपुलर हैं। इनकी पॉपुलरिटी फिल्मों में न आने के बावजूद भी काफी ही ज्यादा है, पर वर्तमान में शाहरुख खान के बेटे के होने के बावजूद आर्यन खान काफी ज्यादा मुसीबतों से घिरे हुए हैं, जहां शनिवार को इन्होंने नारकोटिक्स सेंटर ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं आगे इन्हें बड़े से बड़ा वकील करने के बावजूद भी बेल नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से करीब 7 अक्टूबर तक इन्हें पुलिस की कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। कस्टडी के दौरान आर्यन खान अब एनसीबी के सवालों में फंसे हुए हैं, और उन्हीं सवालों में के दौरान खबर आ रही है कि आर्यन खान कस्टडी में काफी रोए जा रहे हैं। जब से उनसे कस्टडी में पूछताछ की जा रही है, तब से आर्यन खान के आंसू थम ही नहीं रहे हैं। जहां पुलिस वालों के सवालों के बीच आर्यन खान के कई खुलासे भी हो रहे हैं, जहां सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि आर्यन खान भले ही पहली बार किसी ड्रग केस में फंसे हों, पर आर्यन खान आज से नहीं बल्कि 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, जिसका खुलासा आर्यन खान खुद ने ही किया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आर्यन खान जब दुबई और यूक में रहते थे, तब से उन्होंने ड्रग्स का सेवन करना नहीं छोड़ा था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एनसीबी ने करीब 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें आर्यन खान के साथ मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट, स्मिता सिंह और मोहक जायसवाल। इसमें अरबाज मर्चेंट को तो आर्यन खान का 15 साल पुराना दोस्त बताया जा रहा है। आपको बता दें, क्रूज पर रेप पार्टी करने के दौरान ही एनसीबी ने एक ऑपरेशन के तहत इस सभी को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें कोर्ट में उन्हें रिमांड पर रखने का फैसला कर दिया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूं तो एनसीबी के छापे में कई लोगों को ड्रग्स के साथ पकड़ा था, पर आर्यन खान के पास कुछ भी नहीं मिला था, जिसके चलते उन्हें सिर्फ कन्फर्मेशन के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। चल दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।